हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम मोती से ऊँट किस तरह से बनाते हैं, और मैंने इसके दो वीडियो भी आपके साथ शेयर मैं कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, ये है ऊँट, और मैंने आपको इसकी बॉडी ये जो है बना के दिखा दिया है कि इसे हमें किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स, मैंने तो आपसे कहा था कि मैं इसको आपसे इसे आपको बता चुकी हूँ कि हमें किस तरह से ज्वाइंट करना है, और एक तरफ मैंने आपसे कहा था कि आप ज्वाइन मत कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी, है ना। पर मैंने यहाँ तक कहा था आपको ज्वाइन करने के लिए, पर मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम हमें ऐसे ही ज्वाइन करना है जैसे हमने इधर ज्वाइन किया है, वैसे यहाँ इधर ज्वाइन करना है। देख सकते हैं आप, सेम वैसे ही ज्वाइन करना है। तो इसलिए मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं लगा कि आपको बताऊँ, तो मैंने सोचा चलो आगे बताते हैं, जो कि बता चुके हैं आपको, बताना ज़रूरी नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है कि मैं आगे बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा कि इसमें आप प्लास्टिक ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। तो आप ऐड कर लीजिएगा, और इस तरीके से जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया उस तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोनों तरफ। आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमें ऐसे ज्वाइन कर लेना है, सेम ऐसे ही। अब चलिए देखते हैं कि हम आगे क्या करते हैं। तो इसके लिए तो ठीक, हमें सुई में धागे को ऐड कर लेना है जैसा कि हम करते आए हैं, और फिर हमें इस तरह से धागे को लेना है। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी जो एक गर्दन है इसे हमें किस तरह से बनानी है, है ना। सबसे पहले तो चलिए ऐड करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमें इसे इस तरह से पकड़ना है, और ये जो छोटी लाइन इधर आ रही है उस लाइन में यहाँ पे इस मोती के पास हम एक छोटा सा गांठ लगाएंगे, इस तरह से इसे धागे को ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम एक छोटा सा गांठ लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि मैंने यहाँ पे गांठ लगा लिया है, अब मैं इसे कट कर दूँगी, जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा उससे हम कट कर देंगे। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे गांठ लगाने के बाद हम तीन मोती लेंगे, और फिर तीन मोती लेने के बाद ठीक इसके सामने वाली ये जो मोती है जहाँ हमने धागे को ऐड किया, ठीक उसी के पीछे हम इसमें धागे को ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसके सामने वाली ये जो मोती है हम इसके अंदर धागे को ऐड करेंगे, और यहाँ हम दो मोती लेकर ऐड करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने दो मोती ली, और अभी जो हम मोती लगाए उसमें, और फिर जो ये नीचे वाली मोती है इसमें, दोनों में हमें इस तरह से धागे को ऐड कर लेना है, और ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगी। अब फिर से हमें क्या करना है, फिर से हम इस मोती में आएंगे, और यहाँ आने के बाद फिर हम दो मोती लेके इसके अंदर ऐड करेंगे, सेम ऐसे ही मैं यहाँ भी कर रही हूँ इसमें, इस तरीके से ही आपको दिखेगा। और फिर मैं इसी में ऐड करूँगी धागे को। अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से ये जो नीचे वाली मोती बच गई है हम इसके अंदर धागे को लेकर जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसमें देखिए ऐड कर रही हूँ, और दूसरी तरफ हम इसे बाहर कर लेंगे, और ये जो मोती लगी हुई है हम इसके अंदर उसके बाद ऐड करेंगे, और फिर हम एक मोती लेंगे, और एक मोती लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर से हम उस जो अंदर में मोती है उसमें ऐड करते हुए दूसरी तरफ इसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, अब फिर हम इस मोती में आएंगे। अब देखिए इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ये लाइन बन गई है, है ना। तो जैसे ये लाइन बनी है ऐसी मोती हमें आठ लाइन ऐसे ही आगे की तरफ बनानी है, जैसे ये बन चुकी है, अब ऐसे ही हम बनाते जाएंगे आगे जब तक कि ये जो मोती है नीचे वाली ये आठ ना हो जाए। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ, सेम हमें क्या करना है, इसमें धागे को ऐड करना है, तीन मोती ऐड करना। देखिए मैंने इसमें तीन मोती लिया और ऐड कर रही हूँ,
तरीके से तीन मोती ऐड किया, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सुई को और फिर मैं इसमें दो मोती ऐड करूँगी। देखिए फिर मैं दो मोती लिए, मैंने लिया है वाइट कलर का और मैंने इसमें ऐड कर दिया मैंने, और फिर मैं इस मोती में आऊँगी, फिर हम इस मोती में आएंगे और फिर सीधे इस मोती में, और यहाँ भी मैं दो मोती लूँगी। और देखिए दो मोती लेने के बाद फिर मैं इसमें से इसमें ऐड करूँगी और ये दो मोती जो है वो ऐड हो जाएगी इस तरीके से, और फिर इस मोती में मैं आऊँगी और फिर मैं एक मोती ऐड करूँगी इसमें इस तरीके से, और ये फिर इसमें और फिर इसमें और फिर इसमें। अब इस तरीके से फिर हम वैसे ही तीन मोती और दो मोती ऐड करते जाएंगे और इसका हम एक लंबा सा लाइन बना लेंगे, जैसे कि एक दो हो चुका, यानी कि और हमें ऐसे और हमें छह लाइन बनाने हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये जो लाइन है ये बना के कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से ये एक दो तीन चार पाँच छः सात ये आठ, अब ये लाइन बन के कम्प्लीट हो चुकी है। हमारा धागा यहाँ पे है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सेम हमें यहीं से इस धागे को उठाकर इसमें एक ब्लैक कलर की मोती को ऐड करना है, और सेम हमें कहीं धागे को नहीं लेकर जाना। मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐड किया दो मोती को, अब वहीं से मैं एक धागे में एक ब्लैक मोती ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम हम दूसरी तरफ आएंगे इस मोती में, और यहाँ भी हमें सेम और यहाँ भी सेम मैं एक ब्लैक कलर की मोती लूँगी और उसी तरीके से फिर मैं इस मोती में ऐड कर दूँगी इस तरीके से। ये जो हमारा आँख है ये बन के तैयार हो गया है। अब फिर मैं धागे को यहाँ लाऊँगी और इस मोती में लेकर आऊँगी, और यहाँ से फिर मैं अब तीन मोती ऐड करूँगी इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने तीन वाइट कलर की मोती लिया है और फिर मैं इसी के अंदर इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरीके से, और फिर इसमें ऐड करूँगी और फिर मैं यहाँ से दो मोती लेके इसके अंदर ऐड करूँगी। जैसे हाँ कि हमने यहाँ पे किया सेम हमें वैसे यहाँ पे करना है। हमें दो लाइन यहाँ बनानी है, एक मैंने बना दिया और एक लाइन हम बनाएंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया हमें वैसे यहाँ पे करना है, तो ये एक लाइन और एक और लाइन होगी। तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है, सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे यहाँ मैंने किया है। अब यहाँ भी सेम जैसे मैंने काला मोती ऐड किया वैसे हमें रेड मोती ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा धागा है यहाँ पे, अब मैं देखिए रेड मोती ऐड कर। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इस लाइन में इस तरह से मोती को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा जो इसका आगे का फेस है वो बन गया है। इस तरह से हम एक बार राउंड सुई को घुमा लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे एक गांठ लगाकर इसे कट कर देंगे। इस तरीके से अब हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। ये ऐसा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी बनानी है, अब हमारा ये जो है फेस बन गया, अब हमें ये बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा गांठ लगाएंगे और इस तरह से हम गांठ लगा लेंगे और इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब सीधे सीधे जैसे मैंने यहाँ पे गांठ लगाया, अब मैं इसमें सात ब्लैक कलर की मोती ऐड करूँगी और उसके बाद इसके पीछे से इसमें इस तरह से ऐड कर दूँगी। अब फिर से मैं क्या करूँगी, इसी मोती में राउंड एक बार मैं इस धागे को राउंड घुमा लूँगी इस तरीके से, और फिर
इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वाइट कलर की मोती है इसमें सुई को ऐड करना है। और अगर आप इधर बनाना चाहते हैं दूसरी तरफ भी, तो आप बना लीजिएगा। मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ऐसे ही मैंने नहीं बनाया है, ऐसी कोई वजह नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हो तो आप यहीं से इसे इस तरह से राउंड बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे धागे को कट कर दूँगी इस तरीके से। करने के बाद ये हो गया धागा कट। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी पूंछ किस तरह से बनानी है। तो इसकी पूंछ के लिए सेम यहाँ पे हमें आना है, ये जो राउंड मोती आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लगाना है एक छोटा सा गांठ। और इस तरह से गांठ लगाने के बाद फिर मैं धागे को इस मोती के अंदर इधर लेकर आऊँगी बाहर, और फिर ये जो मोती है इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पे धागे को लाने के बाद मैं इसमें 9 ब्लैक कलर की मोती ऐड करूँगी। तो इसी तरीके से इसके पीछे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरीके से। और सेम जैसे हमने यहाँ पे धागे को घुमा लिया, वैसे ही मैं इसमें भी धागे को ऐसे राउंड एक बार घुमा लूँगी सारे मोतियों के बीच में से। फिर इसमें और इस तरीके से फिर मैं उसी मोती में ऐड करूंगी धागे को। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा गांठ लगाऊंगी और इसे कट कर दूंगी। तो ये रहा हमारा ऊंट का ऊपरी हिस्सा जो बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसके पैर बनाने हैं। उससे पहले ये जो हमारी रिंग है इसे हमें ऐड करना है। तो इसे ऐड करने के लिए आप ऊँट की इस गर्दन को सीधे इस तरह से पकड़िए और इसमें हम इसे इस तरह से ऐड करेंगे और इसे हम दबा देंगे ताकि ये अंदर चला जाए पूरी तरह से। और इस तरह से दबाने के बाद हम इसे इस तरीके से कर देंगे। अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसे कट कर दीजिएगा, जैसा कि मैं कर लेती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो मैं यहाँ से देखिए इसे कट कर रही हूँ और ये इस तरह से कट हो गया। अब मैं फिर से इसमें ऐड करूँगी अभी हमारा जो गर्दन है इसका ये तैयार है बनके। अब हमें इसके पैर बनाने हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसके पैर किस तरह से बनाने हैं। तो दोस्तों इसके देखिए पैर बनाने हैं हमें 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो मोती है और ये जो मोती है यहाँ पे हमें पैर बनाना है, और यहाँ पे हमें इस मोती पे और इस मोती पे पैर बनाना है, यानी कि बीच में ये और इस मोती का, यानी कि इस और इस मोती का गैप रहेगा और उसके आमने सामने 2 पैर होंगे। तो मैं आपको एक पैर बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए भी हम इसमें धागे को पहले ऐड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 3 मोती लेंगी वाइट कलर की और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। दोस्तों सेम हमें इसे वैसे ही बनाना है जैसे कि हमने इसकी गर्दन बनाई है। फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। देखिए जैसे ये 3 मोती ऐड हो गया, अब मैं इस मोती में आऊँगी और यहाँ मैं 2 मोती ऐड करूँगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरीके से। फिर मैं इस मोती में आऊँगी और यहाँ भी मैं 2 मोती ऐड करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा ऐड हो गया। अब मैं इस मोती में ऐड करूँगी धागे को और सेम 1 मोती ऐड करूँगी इस तरीके से। फिर इसमें और फिर इस मोती में और फिर इस मोती में और फिर से सेम वैसे ही हमें ऐड करना हो जैसे हमने यहाँ भी किया इसी गर्दन में भी और अभी मैंने भी किया। 3 मोती ऐड करेंगे, फिर 2 बार 2 मोती ऐड करेंगे, उसके बाद लास्ट में 1 रेड मोती ऐड करेंगे। तो ऐसे वाइट कलर के हमें 4 घर बनाने हैं, जो कि 1 मैंने बना लिया है। तो चलिए और 3 बना लेते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो लाइन है ये बनके तैयार होगी, 1 2 3 4 ये 4 लाइन बन गई। अब दोस्तों हमें एक ऐसा ही और लाइन बनाना है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि हमें यहाँ पे ब्लैक मोती ऐड करनी है। तो जैसे कि देखिए मैंने सेम वैसे ही हमें बनाना है, पर मैं हमें ब्लैक मोती लेने है। मैं इसमें 3 ब्लैक मोती ऐड कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर मैं सेम इसमें इस तरीके से ऐड करूँगी 2 ब्लैक कलर की मोती और फिर मैं इस मोती में ऐड हो जाऊँगी और फिर मैं यहाँ भी 2 ब्लैक कलर की मोती ऐड करूँगी इसमें और फिर हम इस मोती में आएंगे और फिर इस मोती में और यहाँ पे हम 1 ब्लैक कलर की मोती ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने 1 ब्लैक कलर की मोती लिया और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और फिर इसके अंदर ये हो गया हमारा। अब हमारा जो ऊँट का पैर है वो एक पैर बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे राउंड इस मोती में घुमा लेंगे एक बार अब ऐसे घुमाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम एक छोटा सा गांठ लगाएंगे और उसके बाद इसे कट कर देंगे। ये देखिए गांठ लग गया। अब हम इसे कट कर देंगे। इस तरीके से ये जो हमारा ऊँट का एक पैर है वो बनके तैयार हो गया है। अब देखिए जैसे मैंने कि आपको कहा कि हमें एक पैर का एक मोती का गैप रखना है, तो अब दूसरा जो पैर है मैं इस मोती से ये जो 4 मोती है 1 2 3 और ये 4 मोती पे बनाऊंगी और सेम इसी के लाइन में देखिए इस मोती से आते हुए मैं इस मोती पे बनाऊंगी पैर और इस मोती में इस मोती से आते हुए इस मोती पे पैर बनाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तब ये जो और 3 पैर बचे आप उसे बना के रेडी रखिएगा। अब ये जो हमारा ऊँट है इस तरह से बन के कम्प्लीट हो गया है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं इसका पैर, इसका ये जो है मोती, बीच में 2 मोती का सिर्फ गैप है, ज़्यादा नहीं, शायद आपको लाइट की वजह से ना दिख रहा हो। ये देखिए ये और ये, इस तरह से हमें गैप रखना है 1-1 मोती का। यहाँ भी देखिए और हमें सेम सब कुछ वैसे ही करना है, 1 और ये 2 मोती का गैप है और इस तरीके से इसका जो पैर है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा ऊँट जिसके लिए मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किया था। तो व्यूवर्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों बनाने में। तो आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने इसे आपसे शेयर किया और मुझे पता है आपके और भी कमेंट आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट तो ताजमहल के आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं उसे भी बता दूंगी। और मैं चाहती हूँ अभी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको बता दूँ, जैसे कि टेडी बियर का मुझे कमेंट आया है और गणपति जी अभी जो हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं वो, तो मैं वीडियो बना रही हूँ ताजमहल का, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, तब तक मैं आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और मेरे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने फिस झूमर के बाद मुझे कमेंट किया कि मैम आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे में वीडियो को लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगता है वीडियो। तो चलिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और सबका ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।